इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। Yeah!
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके सामने मोहम्मद आसिफ बंगापुर। ईडी के खिलाफ पीएफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल जारी कर रखा है। आई अल्ताफ पानीबंद हमारे साथ मौजूद हैं, जो हुबली धारोड डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे जानते हैं किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए सर। प्रोटेस्ट किस लिए है सर आपकी? ये जो ईडी है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इसका गलत इस्तेमाल करते हुए आज की जो ये आरएसएस की बीजेपी सरकार है, ये हमारे तमाम जो अकाउंट्स है उसे टेम्पररी सीज किया, इसलिए हमें आज प्रोटेस्ट करे। क्या ईडी ने हुकूमत के दबाव में आकर आपके पीएफ वालों के इस पर छापा मारा है? बिल्कुल, 2014 से आप जैसे देख रहे हैं, जो भी बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है उसे ये लोग डरा कर, धमका कर, ईडी की रेड के ज़रिए, आईटी के ज़रिए, हाँ, उसे डरा कर उसके ऊपर एक दबाव क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इनके ऐसे छोटे मोटे दबाव से डरने वाली तंजीम नहीं है। इंशाल्लाह हमें और भी इस्तेकाम के साथ खड़े होंगे और भी इनके जो गलत नीतियाँ हैं इसका जवाब देंगे हम इंशाल्लाह। सिर्फ आप ही को निशाना बनाया जा रहा है ईडी को लेकर, आप उसके बारे में क्या? सिर्फ हमें ही करके नहीं, जितने भी इनके खिलाफ मीडिया है, जितने भी इनके खिलाफ एनजीओज है, इससे पहले भी एमएसटी इंटरनेशनल के ऊपर भी इन्होंने किया था, जो भी इनके तरीके पर इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करता है वो उन्हें ये लोग दबा कर ऐसे क्या हो ईडी और आईटी की रेड के ज़रिए डराने की कोशिश करते हैं, ये इनकी एक मामूली आदत बन चुकी है। लेकिन ऐसे रेडों से, ऐसे कार्रवाई से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डरने वाली तंजीम नहीं है।